Permitting a cell, you may change property of cell. You may have applied the colors to a cell, add image with a cell, border to cell. मतलब देखो, formatting cell में ये नया जो topic है आपका, इसमें आपको ये सीखना है कि किस तरह के formatting कर सकते हो, जैसे कि images डाल सकते हो, color apply कर सकते हो, font का color बदल सकते हो, border apply कर सकते हो, date and time enter कर सकते हो. दे आर कॉल्ड फॉर्मेटिंग. फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है? चेंजेस. जो डिफॉल्ट जो दिया रहता है शीट, उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो. दैट इज फॉर्मेटिंग सेल. फॉर्मेटिंग कैन अप्लाइड द नंबर, कंटेंट, एलिमेंट, सेल कंटेंट, सेल बॉर्डर, सेल बैकग्राउंड. फॉर दिस पर्पज यू मे यूज द डायलॉग बॉक्स फॉर्मेटिंग सेल टूल बार. यहाँ पे देखो, नए आपको फिगर 6.14 में जिस तरह का फॉर्मेटिंग आपको दिया गया है वो आपको अप्लाई करना है. देखो, लेबल है, लेबल 1, 2. यहाँ देखो 14 दिए. फर्स्ट अप्लाई द स्टाइल, फॉन्ट, फॉन्ट की साइज बदल सकते हो. देन फॉन्ट के अंदर बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है या अंडरलाइन द फॉन्ट्स, यू मे बी अप्लाई डेट. फिर है अलाइनमेंट, एस लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड. फिर है मर्ज सिलेक्टेड सेल्स. देन है करेंसी, परसेंट, एड, डिलीट, डेसिमल प्लेस, डिक्रीज एंड इंक्रीज इंडेंट, सेल बॉर्डर फॉर्मेट, बैकग्राउंड कलर ऑफ सेल, फॉन्ट कलर इन सेल, एंड एड एंड रिमूव अनफॉर्मेटेड सेल बॉर्डर. ये सारा आप अप्लाई कर सकते हो. नेक्स्ट है नंबर फॉर्मेट. नंबर फॉर्मेट में क्या क्या कर सकते हो? द नंबर फॉर्मेट इफेक्ट्स द अपीयरेंस ऑफ द सेल इन द नंबर इन ए सेल. द नंबर फॉर्मेट कैन अप्लाइड इन अ सिंगल सेल, मल्टीपल सिलेक्टेड सेल एंड रेंज ऑफ द सेल्स. चूज द फॉर्मेट सेल्स, ओपन टैब नंबर्स एंड सिलेक्ट द चॉइसेस थ्रू द डायलॉग बॉक्स अपीयर विच इज इलस्ट्रेटेड टू 6.15. तो यहाँ पे देखो 6.5 में लेबल्स दिए हैं 1 से लेकर 8 तक. डिस्क्रिप्शन दिए, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट फॉर्मेट सच नंबर्स, डेट एसेट्रा. दूसरा है टिपिकल अपेरेंस ऑफ द फॉर्मेटेड सिलेक्टेड, रीजनल सिलेक्टिंग, प्रीव्यू ऑफ द सिलेक्टेड सेल, इंसर्ट द 1000 सेपरेटर, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ लीडिंग जीरो टू मेक द नेगेटिव नंबर रेड, 1000 सेपरेशन. तो ये ऑल्सो द फॉर्मेटिंग, द नंबर फॉर ऑप्शंस, ये आपको अवेलेबल रहेंगे. यहाँ पे देखो नंबर्स के जो कॉमा रहते हैं, डेसिमल रहते हैं, ये हमने नॉर्मल एक्सेल में देखा गया है. ये आपको विंडो आपको मालूम है इस तरह का फॉर्मेट रहेगा. नंबर अगर परसेंटेज यूज़ करना है, करेंसी यूज़ करनी है, डेट या टाइम या साइंटिफिक, जो भी आप सिग्मा यूज़ करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो. मगर अभी हमारा सिग्मा ऐसे कुछ नंबर्स आते नहीं है. आपको सिर्फ नंबर परसेंटेज में ध्यान रखना है. अगर कोई प्रैक्टिकल करेंसी में आता है तो करेंसी में यूज़ कर सकते हैं. नाउ फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट, उसकी स्टाइल और उसकी साइज. नाउ डेटा शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग. डेटा शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग का मतलब क्या है कि डेटा शॉर्टिंग मतलब कि सपोज करो कि मैंने ये आपको जो सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि नंबर्स में 1, 2, 3, 4, 5, नेम में सीता, मीता, रीटा, गीता, नीता, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टोटल, इस तरह का आपको एक आपने बना दिया. समझो कि आपने इस तरह का बना दिया. और हमारा समझने का टॉपिक क्या है? डेटा शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग. तो देखो किस तरह का करते हैं. या आप ए टू जेड रखो या तो फिर जेड टू ए रखो. दैट इज़ कॉल्ड शॉर्टिंग. मेन फर्स्ट जो आता है शॉर्ट द डेटा, मतलब या तो फिर ए टू जेड में डेटा अरेंज होना चाहिए या तो फिर जेड से ए वाले डेटा अरेंज होने चाहिए. तो देखो फर्स्ट है टू शॉर्ट द डेटा हैश ऑन फिगर 6.17 बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द सेल ई इन द टोटल. वी नीड टू फॉलोइंग, क्लिक ऑन ए सेल इन द कॉलम बाय विच द डेटा इज रिक्वायर्ड टू शॉर्ट. क्लिक द शॉर्ट डिसेंडिंग बटन इन द फॉर्मेटिंग टूल बार. तो देखो ए से जेड और जेड से इस तरह का डेटा. देयर इज अनदर वे टू सेम वे टू डू सेम ऑपरेशन एज यू. ऑल यू नीड इज सिलेक्ट डेटा टू शॉर्ट. ए डायलॉग बॉक्स विल अपियर इन द शॉर्ट क्राइटेरिया डायलॉग बॉक्स डिसेंडिंग इलस्ट्रेट द टिपिकल व्यू ऑफ द शॉर्ट डायलॉग व्यू.
इस तरह का डेटा डिफाइन होगा। देखो यहाँ पे अरेंज हो गया है। इस तरह से आप कर सकते हो, राइट, सिलेक्ट करके, सिग नेम पे सिलेक्ट करके शॉर्टिंग पे अप्लाई कर सकते हो, डेटा शॉर्ट नेम। जैसे मैंने अभी बताया कि नेम में आप सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे क्लिक करो और शॉर्टिंग में चले जाओ। यहाँ पे ये जो आपको दिया है, जो मेरा माउस पॉइंटर है, तो ये सिलेक्ट नेम पे सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करो, तो आपका ये जो डेटा है वो पूरा A to Z में डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, जिस तरह से आप अप्लाई करना चाहो। असेंडिंग ऑर्डर में डिफाइन किया है, जिस तरह का असेंडिंग ऑर्डर डिफाइन किया है, देखो यहाँ पे बड़ी वैल्यू जहाँ पहली आ गई, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, जैसे ये लोगों ने किस पे असेंडिंग ऑर्डर किया है, टोटल पे कि डिसेंडिंग ऑर्डर, तो बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे, राइट। तो ये दूसरा है, देखो दूसरा एक एग्जांपल दिया है, एंटर सम सैंपल डेटा। इस तरह का डेटा आपने बनाया है, जैसे नीता से लेकर यहाँ तक बबीता तक बनाया है, और उनका लोकेशन डिफाइन किया है, और उनके मार्क्स डिफाइन किए, और उसके बाद क्या है परफॉर्म करने के लिए बोला है। फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट द डेटा इंक्लूडिंग द हेडिंग्स, देन है चूज डेटा शॉर्ट, देन सिलेक्ट द लोकेशन इन द शॉर्ट बाय फील्ड, सिलेक्ट द मार्क्स इन देन फील्ड, क्लिक ओके। तो आपका जो भी ये फॉर्मेट होगा वो असेंडिंग और डिसेंडिंग में, जो भी आप करना चाहो, कि लोकेशन को करना चाहते हो या मार्क्स में, या फिर अनडिफाइंड जो भी अगर कॉलम एक्सटेंड होता है तो बार बार यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो अब लोकेशन में करना चाहते थे, देखो लोकेशन असेंडिंग में हुआ, मार्क्स को असेंडिंग में डिफाइन किया, और उसके बाद ओके कर देना है, तो आपका जो भी है असेंडिंग में आ जाए। डेटा पूरा अहमदाबाद, आनंद, बाद में बड़ौड़ा, बाद में गांधीनगर, धनबाद, A to Z से, ठीक है। जो भी हमने यहाँ डेटा लिया था उसको कौन से में अरेंज हो गया, असेंडिंग में, A to Z में। पहले ए अहमदाबाद, आनंद, बड़ौड़ा, गांधीनगर एंड वल्लभ विद्यानगर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है डेटा फिल्टरिंग। डेटा फिल्टरिंग टू हेल्प द अवर अननेसेसरी डेटा एंड प्रेजेंट ओनली दोज विच यू वॉन्ट टू सी। कंसिडर द डेटा अबाउट द स्टूडेंट्स नेम एंड लोकेशन विच यू हैव जस्ट shorted in the previous section. Let us add on the data. Suppose we may want to see the details of the students have scored 100 or more than 100 marks. So, देखो यहाँ पे select the auto field, select data auto field में, filter में जाओ and then select the auto field. सिर्फ सिर्फ कहाँ जाना है, select data auto filter. यू मे यूजिंग द एग्जिस्टिंग वर्कशीट, जो भी आपकी पहले जो हमने प्रीवियस बनाई उसको भी आप उसका मदद से आप बना सकते हो। सिर्फ सिलेक्ट करना है डेटा, देन फिल्टर एंड ऑटो फिल्टर। यू विल सी द ड्रॉप डाउन ऑफ द एरोज आर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिर्फ होल्ड अप करना है, सिर्फ क्लिक डेटा फिल्टर एंड ऑटो फिल्टर, तो इस तरह से आपका डेटा फिल्टर जाएगा कि आपको कौन सा अहमदाबाद का लोकेशन। सिर्फ अहमदाबाद के देखते हैं तो आप अहमदाबाद के ही देख सकते हो, यहाँ से लोकेशन में बड़ौड़ा सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ बड़ौड़ा के ही डेटा डिफाइन होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या है, एज ए स्टार्टेड अर्लियर द स्प्रेडशीट पैकेजेस आर यूज फॉर द डेटा एनालाइज सच एज बैलेंस शीट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल एनालाइजिंग, मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन एंड द एनालाइज ऑफ द स्टूडेंट रिजल्ट। वैलिडेशन मतलब क्या, कि इतना एक वैलिडेशन हम देते हैं कि इसके इसमें मार्क होने चाहिए मिनिमम, दैट इज कॉल्ड अ वैलिडेशन। जैसे आपके एग्जाम में 20 मार्क का टेस्ट होता है तो आपको पासिंग मार्क्स बोला जाता है, दैट इज यूर कॉल्ड वैलिडेशन, ठीक है। वो आपका क्या होता है, वैलिडेशन होता है कि भाई इतने मार्क्स तो मुझे लाना है, और उससे अगर नीचे होता है तो दैट इज कंटेंट एज अ फेल, ठीक है। तो वो आपका एक क्या होता है, बॉर्डर पार्ट रहता है जिसमें आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारा मेन टॉपिक आता है इसके बाद, स्पेलिंग चेक, वो भी आपको मालूम है। स्पेलिंग चेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर आपने कोई टाइप कर दिया कैल्क में
तो ऑटोमेटिकली वो कंटेंट कर लेगा। ठीक है, जो भी अगर आपने कोई भी लैंग्वेज आपने सिलेक्ट की है, अगर उसमें आप कोई भी मिस्टेक कर देते हो तो ग्रामेटिकल मिस्टेक विल बी प्रोवाइडेड टू सॉल्व द कंटेंट ऑफ द डेटा। कौन सॉल्व करेगा? कैल्क कर देगा स्पेलिंग। ओके, जनरली मेक द एरर्स इन स्पेलिंग, इट विल फैसिलिटी टू चेक द स्पेलिंग। जैसे भी बताया कि कभी कभी लिखते समय स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, तो स्पेलिंग मिस्टेक को सॉल्व करने के लिए आपको एक फंक्शन यहाँ पे दिया जाता है, जिससे वो इजीली आप सॉल्व आउट कर सकते हो। लिखा है, द यूज़र वाइल टाइपिंग द कंटेंट इन द कैल्क वर्कशीट जनरली मेक एरर्स इन द स्पेलिंग्स। द कैल्क गिव अस द फैसिलिटी टू चेक द स्पेलिंग्स। द वर्ड स्पेल इनकरेक्ट विल बी अनडिफाइंड इन अ रेड लाइन। आपने वर्ड में देखा होगा, एक्सेल में भी शायद चार वर्ड में ज़्यादा देखा होगा कि कोई भी हम स्पेलिंग लिखते हैं, अगर गलत लिखते हैं तो देर विल बी मार्क्स एज ए रेड लाइन। तो कैल्क गिव अस द फैसिलिटी टू चेक स्पेलिंग द वर्ड स्पेल इन इनकरेक्टली वाइल अंडरलाइन विद द रेड लाइन। प्रोवाइडेड द स्पेलिंग चेक टॉगल बटन ऑन द टूल बार टर्न ऑन। एज यू टाइप द समथिंग रॉन्ग द वर्ड इज हाईलाइटेड विद द रेड लाइन, रेड अंडरलाइन। ऑल यू नीड टू डू जस्ट ए राइट क्लिक एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइसेस टू चेक द स्पेलिंग। कैल्क यूज एज ए डिक्शनरी, आप डिक्शनरी में यूज़ करके आपका पर्टिकुलर जो भी वर्ड आपका मिस्टेक है वो डिक्शनरी से भी आप वेरीफाई कर सके। इफ द वर्ड हैव एंटर इज फाउंड इन अ डिक्शनरी विद द सेम स्पेलिंग द वर्ड इज कंसिडर्ड एज ए करेक्ट वर्ड। फिगर 6.27 द इलस्ट्रेटेड पॉसिबल टू ऑप्शन फॉर द स्पेलिंग चेकिंग एंड द करेक्शन। तो ये आप जैसे हम राइट क्लिक करके वर्ड में वेरीफाई करते हैं डिक्शनरी में कौन सा वर्ड हमको अवेलेबल चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर देते हो। नाउ फाइंड एंड रिप्लेस, द कमांड फाइंड एंड रिप्लेस इज यूज टू क्विक द फाइंड द डेटा इन द वर्कशीट एंड रिप्लेस द डेटा नंबर्स। मतलब रिप्लेस मतलब चेंज करना, और फाइंड मतलब कि सपोज करो मैंने स्कूल का डेटाबेस फाइंड किया है, उसमें से मुझे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम ढूंढना है, तो आई विल यूज दैट फाइंड ऑप्शन। एंड रिप्लेस, फाइंड रिप्लेस मतलब क्या होता है कि उस नाम को चेंज, सपोज करो वो नाम गलत लिखा था मगर वो मुझे पता है, तो वो नाम को मैं पहले सर्च करूँगा, सर्च करने के बाद उसको वो नाम को रिप्लेस कर दूँगा। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज द प्रिंटिंग। प्रिंटिंग आपको मालूम है द प्रिंटिंग वर्कशीट इज रिक्वायर द स्पेशल केयर ऑफ बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द वर्कशीट। अनलाइक द वर्ड हिज प्रोसेसर द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ द स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इज नॉट फिक्स। द मल्टीपल रो एंड कॉलम्स हैव क्रिएटेड द माइट नॉट फिट इन द पेज। अब प्रिंटिंग आपको मालूम है कि कभी एक्सेल में और कैल्क में सेम के पेज फिक्स नहीं होता, तो आपको क्या करना पड़ता है, फिक्स नहीं आता वर्ड में जैसे, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको प्रीव्यू करके देखना पड़ता है और उसके बाद उसको अरेंज करना पड़ता है। तो यहाँ तक आपको ये कोई अभी आपको समझना नहीं है, आपको प्रैक्टिकल बेस यहाँ तक ही समझना है। प्रिंटिंग में आपको ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, उसको आप प्रैक्टिकली आपको एक प्रैक्टिकल समझाया जाएगा, जब भी स्कूल में जब आओगे तो आपको ये समझाया जाएगा, अभी ये वर्बली आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम प्रिंटिंग के लिए वेट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। नाउ नेक्स्ट आपको वीडियो में एक्सरसाइज का आंसर्स एंड एक्स्ट्रा जो भी रहेगा क्वेश्चंस वो भी आपको दिए रहेंगे। थैंक यू।